Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका इंडिया ड्यू डिफेंस पे। और मैं लेके हाजिर हूँ आज का डिफेंस डिस्कशन एपिसोड 15। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन पॉसिबिलिटी की MiG-21 की जगह विंग कमांडर अभिनंदन रफेल फाइटर जेट उड़ा रहे होते तो इस डिफेंस डिस्कशन में जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं F-16 वर्सेस रफेल की, सारी पॉसिबिलिटी हम यहाँ कंपेयर करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। विंग कमांडर अभिनंदन के राफेल पे होने की जो पॉसिबिलिटी है, उसे तो हम बाद में देखेंगे कि अगर वो राफेल उड़ा रहे होते तो क्या क्या सिचुएशन बन सकती थी, उसे हम बाद में देखेंगे। पहले कंपेयर कर लेते हैं राफेल और F-16 में क्या डिफरेंस है। तो F-16 को एनालाइज करने से पहले हम ये जान लेंगे कि किसी भी फाइटर जेट के लिए विद इन विजुअल रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज में इंगेज होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। ये तीन फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। पहला है इंजन, दूसरा है रडार और तीसरा है वेपन। ये तीन फैक्टर किसी भी फाइटर के लिए विद इन विजुअल रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज में अहमियत रखता है। आपको बता दूं, विद इन विजुअल रेंज में किसी भी फाइटर जेट का इंजन और उसके पास कौन सा वेपन है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। वहीं पे बियॉन्ड विजुअल रेंज में किसी भी फाइटर जेट के लिए उसका रडार और उसके पास जो वेपन है वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगर किसी भी फाइटर जेट का रडार पावरफुल है और वेपन भी पावरफुल है, तो वो फाइटर जेट बियॉन्ड विजुअल रेंज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर किसी फाइटर जेट का इंजन काफ़ी पावरफुल है और उसके पास वेपन भी उतना ही पावरफुल है, तो वो फाइटर जेट डॉग फाइट में डोमिनेट करेगा। तो आज के इस कंपैरिजन में हम इन्हीं तीन फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे राफेल और F-16 के बीच में। तो F-16 को 70 के दशक में डेवलप किया था जनरल डायनामिक्स ने, उसके बाद इसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाने लग गई और इसके तकरीबन 4,500 फाइटर्स बनाए गए हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज ऑपरेट करती हैं। और इसकी एक यूनिट की कॉस्ट $14 मिलियन से लेकर $18 मिलियन के बीच में है। चलिए बात कर लेते हैं F-16 क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है। तो अगर इंजन की बात करें तो हम कंपेयर करने जा रहे हैं F-16 के ब्लॉक 50 और 52 को राफेल से। तो F-16 का ब्लॉक 50 यूज़ करता है प्रैट एंड विटनी द्वारा निर्मित F-100 PW-220 इंजन और F-16 रडार के रूप में यूज़ करता है APG-68 रडार। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि इसके इंजन किस तरह के हैं। तो ये F-100 PW-220 इंजन एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जो कि डुअल स्पूल एक्सियल कंप्रेशन इस्तेमाल करता है और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 7:4:1 का है। ये इंजन 65 kN का मिलिट्री थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है और वहीं पे अपने आफ्टर बर्निंग फेज में तकरीबन 106 kN का आफ्टर बर्निंग फेज में थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। अब बात कर लेते हैं F-16 के रडार की, क्योंकि किसी भी बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में रडार काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है मिसाइल को गाइड करने के लिए, या फिर किसी भी तरह के कॉम्बैट में मिसाइल को गाइड करने के लिए और टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए रडार सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसके लिहाज से इसके रडार को कंपेयर कर लेते हैं। तो रडार में ये यूज़ करता है APG-68 जो कि इससे पहले 66 यूज़ करता था, लेकिन अपग्रेड के बाद इसे 68 दे दिया गया। और ये रडार पल्स डोपलर एयरबोर्न रडार है जिसकी रेंज तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर के बीच में है, जो कि यूज़ करता है एंटीना, मीडियम ड्यूटी ट्रांसमीटर, मॉड्यूलर रिसीवर एक्साइटर और कॉमन रडार प्रोसेसर। तो ये तीन चीज़ें ही अपने रडार में यूज़ करता है। और इस रडार की रेंज किसी भी 5 मीटर स्क्वायर वाले ऑब्जेक्ट के लिए 105 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेने की है। और इसका एजिमुथ एंगुलर कवरेज तकरीबन ±10 से लेके ±60 डिग्री तक का है। और F-16 की मैक्सिमम स्पीड 2 मार्क के अराउंड है। तो ये F-16 ब्लॉक 52 फाइटिंग फैल्कन कैनन गन के रूप में यूज़ करता है, M-61A1 डिफेंसिव वेपन में यूज़ करता है AIM-9 और AIM-120B और C, GBU-12, GBU-16 और GBU-24 जो कि बॉम्ब्स हैं। तो ये सारे वेपन्स ये डिफेंसिव वेपन्स में यूज़ करता है। बात करते हैं ऑफेंसिव वेपन्स की, तो ये AGM-154 और AGM-168 और AGM-158 ये सारे वेपन्स ये ऑफेंसिव वेपन्स के रूप में यूज़ करता है, जो कि प्रिसीजन गाइडेड जिसे GPS से गाइड किया जाता है। ये ऐसे वेपन्स हैं जो प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेशली बात करेंगे AIM-120 की, जो कि एक एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। और इस AM राम की स्पीड 4 मार्क की है। इसकी रेंज तकरीबन 48 किलोमीटर तक की रेंज है और इसका वेट 152 किलोग्राम है, जिसमें से ये 18 किलोग्राम वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छी क्वालिटी का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। तो ये बात रही रडार, मिसाइल और इंजन की F-16 फाइटिंग फैल्कन के लिहाज से। अब बात कर लेते हैं रफेल की। तो रफेल को डेवलप किया फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट ने। ये एक ट्विन इंजन मल्टी रोल कनार्ड डेल्टा विंग फाइटर है जिसे डेवलप किया गया है स्पेशली एरिया सुप्रीमेसी, इंट्रोडिक्शन, एयर इंटरसेप्शन, ग्राउंड सपोर्ट और न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए। तो बेसिकली ये एक ओमनी रोल फाइटर है जो कि हर तरह के रोल निभाने में सक्षम है और इसकी यूनिट कॉस्ट तकरीबन 79 मिलियन यूरो है। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने तीन फैक्टर पहले भी बताए थे, इसका इंजन, इसका रडार और ये कौन कौन से वेपन्स यूज़ करता है, ये तीन फैक्टर कंपेयर करेंगे। तो रफेल में 1 से 2 क्रू मेंबर की जगह है, जैसे कि हमने पहले बताया था F-16 फाइटिंग फैल्कन में
जो कि ब्लॉक 20 का अपग्रेड वर्जन था, ब्लॉक 52, उसमें दो पायलट की जगह थी। राफेल का लोडेड वेट 15,000 किलोग्राम का है, जबकि वहीं पे इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट MTOW करीबन 24,500 किलोग्राम का है। अब बात कर लेते हैं इंजन की। राफेल दो इंजन यूज करता है, नेकमा द्वारा निर्मित M88 जो कि एक टर्बोफैन इंजन है। अब बात कर लेते हैं इसके थ्रस्ट की, ये इंजन थ्रस्ट कितना देते हैं। तो ये दोनों इंजन मिला के तकरीबन 105 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देते हैं अपने ड्राई स्टेट में। अपने आफ्टर बर्नर स्टेट में ये आपको थ्रस्ट दे देंगे तकरीबन 150 किलो न्यूटन का। और ये हाई क्वालिटी का थ्रस्ट जो कि आफ्टर बर्नर स्टेट में ये प्रोड्यूस करता है, ये काफ़ी हेल्प करता है F-16 के साथ डॉग फाइट करने में, क्योंकि किसी भी डॉग फाइट में आफ्टर बर्नर जो थ्रस्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आपको क्विकली मनूवर करने में, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करता है किसी भी एक ऑर्बिट में क्विकली मनूवर करने के लिए। तो इस मामले में राफेल F-16 को मात दे देता अगर डॉग फाइट में राफेल होता। इसकी फेरी रेंज तकरीबन 3,700 किलोमीटर तक की है, वो भी अपने तीन ड्रॉप टैंक के साथ। इसकी हाई स्पीड तकरीबन 1.8 मार्क की है, जबकि किसी भी लो अल्टीट्यूड पे इसकी हाई स्पीड 1.1 मार्क की है। सर्विस सीलिंग ये प्रोवाइड करता है 15,235 किलोमीटर का, और इसकी जी लोडिंग वेरी करती है -3 से लेके +9 के बीच में, और इमरजेंसी के टाइम पे +11 तक जा सकती है। अब बात कर लेते हैं राफेल द्वारा यूज़ किया जा रहा है रडार के बारे में। तो ये यूज़ करता है RBE2 AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार, जो कि एक इजर रडार है, जिसकी वजह से इसके पास बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। 27 तारीख को किए गए डॉग फाइट में, जैसे कि वहाँ पे राफेल होता तो राफेल को इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होता, क्योंकि किसी भी इजर रडार के फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो कोई भी आ रहे मिसाइल को अपनी तरफ डिटेक्ट कर लेते हैं। और ये रडार किसी भी जैमिंग सिस्टम को रजिस्ट करते हैं, और फाइटर जेट की जो फ्रीक्वेंसी है, जो दुश्मन के फाइटर जेट से फ्रीक्वेंसी आ रही होती है, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं स्ट्रांगली। तो उनके जैमर्स इस रडार की फ्रीक्वेंसी को जैम करने में असक्षम होते हैं। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इस रडार का जो मेन फंक्शन है वो एक बार में मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और ट्रैक कर सकता है, और अपनी मिसाइल को दुश्मन के टारगेट पर प्रिसाइजली ले जा सकता है, कैरी कर सकता है। तो ये सारे मेन एडवांटेज राफेल के रहने से इंडिया को मिलता। आपको बता दूं इस RBE2 रडार में तकरीबन 1200 मॉड्यूल दिए गए हैं, 1200 TR मॉड्यूल दिए गए हैं, जो कि इसको हेल्प करते हैं मल्टीपल टारगेट्स को एक बार में ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में। और अगर ये रडार 27 तारीख की फाइट में होता तो ये दुश्मन के सारे जो 15 से 20 फाइटर्स थे उनको एक ही बार में ट्रैक कर लेता और उन सभी को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता। इसमें दिया गया है IR-ST सिस्टम, जो कि इसको हेल्प करता है किसी भी बैड वेदर में अगर आपका इस रडार काम नहीं कर रहा है तो दुश्मन के थर्मोग्राफिकल स्टेटस को जान के उसको डिटेक्ट करने में IR-ST सिस्टम काफ़ी हेल्प करता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि F-16 पल्स डॉपलर द्वारा निर्मित रडार का यूज करता है, जो कि एक तरह का पैसिव रडार है। अब बात कर लेते हैं वेपन्स की, और वेपन्स को थर्डली कंपेयर करेंगे जो F-16 यूज कर रहा है फैल्कन उनके सारे वेपन्स से राफेल के वेपन्स को कंपेयर करने वाले हैं। गन में यूज करता है M791, जो कि 125 राउंड फायर करने की सलाहियत रखता है। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप समझ सकते हो कितने वेपन ये कैरी कर सकता है अपने साथ। एयर टू एयर मिसाइल में MBDM माइका मिसाइल यूज करता है, और एयर टू एयर मिसाइल में ही आपका बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मीटियोर यूज करने वाला है, MAGIC-2 यूज करता है। तो एयर टू ग्राउंड में यूज करने वाला है MBDA द्वारा स्टॉर्म शैडो, जिसे आप स्कार्प के नाम से जानते होंगे, और यूज करने वाला है MBDA अपाचे, GBU-12, GBU-49, AS-30L, Mark-82, और न्यूक्लियर मिसाइल में यूज करने वाला है ASMP-A, जो कि अभी डेवलप किया गया है कुछ दिन पहले ही। इसमें दिया गया है बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग पॉड, और ये यूज करने वाला है थेल्स द्वारा निर्मित टारगेटिंग पॉड, जैसा कि हमने पहले भी रिपोर्ट किया हुआ है आपको। जहां तक इसके एयर टू एयर मिसाइल के F-16 के AIM-9 या फिर AIM-120 से कंपेयर करने की बात है, तो इसमें यूज किए जा रहे हैं माइका मिसाइल 2, वही काफ़ी है AIM-RAM से कंपेयर करने के लिए। तो जी हां दोस्तों, तो माइका मिसाइल को आप AIM-RAM से कंपेयर कर सकते हो। तो माइका मिसाइल की भी स्पीड 4 मार्क की है, ये तकरीबन 12 किलोग्राम का वॉरेट जाने में सक्षम है। ये यूज करता है सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन का। इसकी एयर में ऑपरेशनल रेंज तकरीबन 80 किलोमीटर तक की है, वहीं पे AIM-RAM की 48 किलोमीटर तक की थी। ये दो तरह के गाइडिंग सिस्टम यूज करता है, एक्टिव रडार होमिंग और इंफ्रारेड होमिंग। और अगर आप इस पे लगे हुए मीटियोर मिसाइल को AIM-RAM से कंपेयर करोगे तब तो फिर कोई जवाब ही नहीं है। 10 में से 8 टाइम अगर ये दोनों मिसाइल एक दूसरे के ऊपर एक ही टाइम में फायर की जाए तो ये पॉसिबिलिटी है कि मीटियोर मिसाइल AIM-RAM फायर करने वाले फाइटर को सबसे पहले मार गिराएगी। तो ये थे वेपन्स के डिटेल कंपैरिजन। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उस दिन अगर विंग कमांडर अभिनंदन राफेल चला रहे होते तो ये मुश्किल ही था कि दुश्मन का कोई भी फाइटर बच के जा पाता। उनके स्किल प्लस इस मशीन की कैपेबिलिटी एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाती, और यही काबिलियत है हमारे IAF के पायलट ने। अगर वो एक MiG-21 से फाइटिंग फैल्कन को शूट कर सकते हैं तो आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हो कि वो एक राफेल जैसे मॉडर्न फाइटर से क्या कर सकते हैं। तो चलिए, ये कुछ सिनेरियो हो सकते हैं राफेल अगर होता तो, उसे देख लेते हैं एक बार। तो चलिए, जितने भी आउटकम निकल पाते अगर राफेल होता है MiG-21 की जगह पे, तो एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता कि जिस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन को वहाँ पे निकलना पड़ गया, इजेक्ट करना पड़ गया, तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि राफेल को शूट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। ये हो गया पहला सिचुएशन। बात करते हैं दूसरे सिचुएशन की। अगर राफेल होता तो वहाँ पे राफेल को एक अच्छा
स्टैंड ऑफ डिस्टेंस मिलता है इंगेज करने के लिए, उसको विद इन विजुअल रेंज जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राफेल मीटियोर के साथ ने बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटीज ही दुश्मन के सारे फाइटर्स को मार गिराने में सक्षम होता। तीसरी सिचुएशन कि अगर राफेल अभिनंदन उड़ा रहे होते तो इनके पास अच्छी सिचुएशनल अवेयरनेस होती और ये अपने आप को उसी तरह से प्लान कर पाते। बात कर लेते हैं चौथी सिचुएशन की, अगर MiG-21 की जगह पे राफेल पेट्रोलिंग कर रहे होते तो दुश्मन देश इस टेरिटरी में आने से पहले दो बार जरूर सोचता, क्योंकि उसको पता होता जिससे वो सामना करने जा रहा है वो फाइटर जेट काफी कैपेबल और एडवांस है। बेसिकली उस दिन F-16 जो कि तकरीबन 20 से 21 के अमाउंट में आए थे, उनका वहाँ पे आने का मतलब ये था कि वो जाके किसी 230 MKI को शूट कर दें जिससे कि उसमें से वो कुछ प्राइड ले जाएं कि हमने इसको खोई 30 को मार गिराया है। अगर ऐसा होता तो ये काफ़ी बड़ा एम्बेरसमेंट होता इंडिया के लिए। तो बेसिकली वो लोग इसी मोटिव से आए थे और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि उनकी जो एक फ्लीट आई थी तकरीबन 18 से 20 फाइटर जेट की, तो वो सिर्फ इसीलिए आई थी कि अगर हम में से कोई एक इंटरसेप्ट भी होता एक या दो तो बाकी का वो काम कर सकें। और राफेल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता कि अगर राफेल होता तो जो इंडिया ने 26 को मिशन कंडक्ट किया था, तो ऐसा बताया गया है कि तकरीबन 12 मिराज ने उस मिशन के दौरान यूज़ किया है स्पाइस 2000 लेजर गाइडेड बम, और अगर वहाँ पे राफेल होता तो राफेल यूज़ करता स्काल्प मिसाइल जो कि एक प्रिसीजन लेजर गाइडेड बम है, और इस बम ने अपने आप को प्रूफ किया है अफगानिस्तान में। तो इस लिहाज से भी उस स्ट्राइक के दौरान राफेल सबसे टॉप पे होता, क्योंकि राफेल की जो बनावट है, इसको जो शेप किया गया है, इसका जो इंजन इंटेक है वो एस शेप इंजन इंटेक दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो RCS वैल्यू है वो काफ़ी रिड्यूस की गई है और इस पर एक्सट्रीम रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का कोटिंग की गई है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि अगर राफेल उस सिचुएशन में होता तो काफ़ी कुछ चीज़ें अलग होती, और ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो MMRCA डील है वो दिन प्रतिदिन काफ़ी डिले हुई है, क्योंकि IAF को तकरीबन 114 फाइटर की डिमांड 2000 से ही है, उसके बाद सरकारें चेंज होती रही और ये डील ऐसे ही डिले होता रहा। अगर ये डील 2007 में ही साइन कर लिया गया होता तो 2014 तक MMRCA के अंतर्गत हमारे पास राफेल या फिर कोई और फाइटर होता जरूर, जिसकी वजह से जो सिचुएशन हमने गिनाई है आपको वो सारे एप्लीकेबल हो पाते। तो इस बारे में आप लोगों के क्या ख्याल आते हैं आप कमेंट सेक्शन जरूर शेयर करो। वीडियो अच्छी लगी है गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।